चुपती चलती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। दिन में आमतौर पर पारा 45 डिग्री के पार रहता है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ हीट स्ट्रोक लोगों की जान ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ पानी की कमी से लोग त्राहिमाम कर उठे हैं। सूबे में गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। अब देखना होगा कि कब तक मानसून आकर लोगों को इस गर्मी से निजात दिलाता है। रिपोर्ट देखिए। सूरज का कहर लगातार जारी, बढ़ता तापमान पड़ रहा है भारी। गर्मी से लोग ही नहीं, जानवर भी परेशान। पारा 45 डिग्री के पार कैसे बचे जान? सूबे में छिटपुट जगह बारिश के बाद भी गर्मी का कहर कम पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ सूरज लगातार आग उगल रहा है, जिससे आम जन के साथ साथ जानवरों का जीवन भी मुहाल हो गया है। लोग घरों के बाहर निकलने से बच रहे हैं, बाजार सुनसान दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि सरकार के साथ साथ प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा और NCR में भी गर्मी से हाल बेहाल है। गर्म हवा लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन लोगों को गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह के नवाचार करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गर्मी के कहर में कोई कमी नहीं आ रही है। दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत में इस समय जो गर्मी है, वो पूरा गर्मी का सितम झेलने के लिए लोग मजबूर हैं, जिसके चलते नोएडा पुलिस ने खास इंतजाम किए। नोएडा के जितने थाने और पुलिस चौकी हैं, वहां पर पियाऊ लगाया गया, इसी तरीके के घड़े रखे गए, बाकायदा गिलास यहां पर रखे गए, क्योंकि थाने में जो भी फरियादी आए अपनी शिकायत लेकर, वो किसी तरीके से गर्मी का शिकार ना हो। और यहां से आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये जो सुविधा है, ये पुलिस के द्वारा की गई है। साथ ही साथ नोएडा की जितनी भी रेड लाइट है, वहां पर ग्रीन कपड़ा लगाया गया है, ताकि जो गाड़ियां खड़ी होती है रेड लाइट के नीचे, लगातार हीट होती है, मौसम खराब होता है, आप पानी पीने के लिए आए, पुलिस ने सुविधा की है। कैसी लगी सुविधा? अच्छा। आमतौर पर प्याऊ कम हुआ करते थे नोएडा में, अब इस तरीके की सुविधा ठीक है? ठीक है, प्यास है तो प्यास पानी पीने के लिए सही है। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पानी पीने के लिए रुक रहे हैं, और क्योंकि रास्ते के पास है तो तमाम लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश होने का अनुमान जरूर मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है, लेकिन अभी भी जो गर्मी का टॉर्चर है, वो झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। 45, 40 और 47 डिग्री के आसपास तापमान लगातार बना हुआ है। वहीं कानपुर में लगातार बढ़ रही गर्मी परेशानी का सबब बनी हुई है। गर्मी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में हीट स्ट्रोक की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। दिन का तापमान 45 डिग्री को पार कर जाता है। कानपुर में गर्मी लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। दरअसल लगातार कई दिनों से तापमान 45 डिग्री को पार कर रहा है, यही वजह है कि शहर के लोग खासे परेशान हो रहे हैं। ऐसे लोग जो दोपहर में घरों के बाहर निकल रहे हैं, उन्हें तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, कानपुर में सुबह 10 बजते ही तापमान 40 डिग्री के मार्क को छू लेता है, पारा 40 डिग्री पर पहुंच जाता है, और उसके बाद दोपहर होते होते पारा 45 डिग्री 46 डिग्री 47 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो खासे परेशान हो रहे हैं। लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि वे अपने घरों पर निकलें। केवल आम आदमी ही नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी इस गर्मी से बेहद परेशान है। हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से पेड़ में तमाम पक्षी अपने घोंसलों में मौजूद हैं। घोंसलों में रह करके वो कहीं ना कहीं गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आमतौर पर इस वक्त कलवल करते हुए नदी किनारे ये पंछी नज़र आते हैं, लेकिन इस समय नदियों में पानी नहीं है, तालाब पोखर सूखे हुए हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में ये पक्षी अपना दाना पानी ढूंढने के बजाय अपने घोंसलों में ही मौजूद है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से घोंसलों में अपने दुबके हुए हैं ये पक्षी, जो कि इस वक्त उड़ान भर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर भी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तमाम वो लोग जिन्हें जरूरी काम है, वही घरों से बाहर निकल रहे हैं, और जिन्हें काम जरूरी नहीं है, वो घरों पर ही बैठे हैं। दरअसल एडवाइजरी भी इसी तरीके की दी जा रही है कि दोपहर में 12 बजे के बाद और 3 बजे तक लोग घरों के बाहर ना निकले। इस वक्त तापमान बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में लोगों को रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है, लोगों में बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। वहीं कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में
मरीज पहुंच रहे हैं, हीट स्ट्रोक के शिकार पहुंच रहे हैं। उन्नाव में भी गर्मी के कारण लोगों का जीवन बहाल हो गया है। बढ़ती गर्मी परेशानी का सबब बनी हुई है। उन्नाव में 23 मई से लगातार सूर्य भगवान आसमान से आग उगल रहे हैं। ऐसे में उन्नाव में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लगातार गर्मी का सितम जारी है। उन्नाव में बीते 23 तारीख के बाद आज तक अगर रिकॉर्ड किया जाए तो पारा 46 डिग्री आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और संक्रमण जो मरीज हैं वो जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। खड़े हैं उन्नाव जिला अस्पताल में, जहां की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जो संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा बढ़ गया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज हैं, सामने इमरजेंसी है जहां पे जो मरीज हैं उनका जमावड़ा बना हुआ है और लोग अपने जो इलाज के इंतजार में हैं और जो बेडों की हालत है वो भी काफी खराब है। एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को लिटाकर इलाज कराया जा रहा है। बीते 3 दिनों में बात करें तो जो जिला अस्पताल में ओपीडी है उसमें 1500 से ज्यादा मरीज यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं, जिन्होंने ओपीडी की गई है और जिनका उपचार यहाँ पे किया जा रहा है। ये मरीजों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा बुखार है और जो डायरिया से पीड़ित है उन मरीजों की है। इसके अलावा आंखों में जलन की भी शिकायतें यहाँ पे मरीजों के द्वारा बड़ी संख्या में दर्ज कराई जा रही है, जिनका उपचार डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। यहाँ पे बेडों की मारामारी है, एक बेड पर 2 से 3 मरीज यहाँ पे भर्ती कराए जा रहे हैं, यानी कि किसी तरीके से जो डॉक्टर हैं वो व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। जो जिला जो प्रशासन है उसकी यहाँ पे जो दावे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी के कारण सूबे में कई जगह पर पानी की समस्या भी हो रही है। लोगों को लगातार पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाथरस में पिछले 25 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाया और प्रदर्शन किया। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। सब परेशान है, घर जाने गई है, सब परेशान है, कपड़े लत्ता सब ऐसे पड़े हैं सब। तो आप पानी फिर कहाँ से लेके आते हैं इस गर्मी में? क्या कहते हो? मना करते हैं कि हमको नहीं पानी आना चाहिए। गर्मी के कारण जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही है। अब तपते दिनों के बीच लोगों को अगर किसी एक चीज का इंतजार है तो वो है मानसून। देखना होगा कि सूबे में मानसून कब तक आता है, जब लोगों को गर्मी के इस कहर से मुक्ति मिल सकेगी। टीम न्यूज स्टेट। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।